हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है आईपीसी 1860 के सेक्शन 159 में दिया गया एफरे। एफरे यानी कि दंगा, फसाद, मारपीट। तो आइए देखते हैं क्या है एफरे, क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स और क्या है इसकी सजा। एफरे दिया हुआ है सेक्शन 159 में, जो कि कहता है कि जब किसी पब्लिक प्लेस पर दो या दो से अधिक लोग आपस में फाइटिंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, और लड़ाई कुछ ऐसे करते हैं कि उस पब्लिक प्लेस का पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा हो, वहाँ की जो शांति है वो डिस्टर्ब हो रही हो, तो यहाँ पर एफरे के चार्जेस लगाए जाते हैं। सेक्शन 160 में इसकी सजा दी हुई है, जो कि 1 महीने तक की जेल या 100 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की बात करता है। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स आइए देखते हैं कि पहला है दो या दो से अधिक लोगों का होना। एफरे कभी भी अकेला आदमी नहीं कर सकता। दूसरा कंडीशन है कि उनके बीच में फाइटिंग का होना, उनके बीच में लड़ाई होनी चाहिए, दोनों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि वो लड़ाई किसी पब्लिक प्लेस पर होनी चाहिए। पब्लिक प्लेस यानी कि कोई ऐसा स्थान जहाँ पर आम आदमी को जाने आने का फ्री राइट हो, जैसे मॉल, मंदिर, मार्केट, कोई भी स्थान। चौथा कंडीशन है कि उस पब्लिक प्लेस का पब्लिक पीस, वहाँ की जो शांति का माहौल है वहाँ पर, वो डिस्टर्ब हो जाना चाहिए उस लड़ाई की वजह से। एफरे एक कॉग्निजेबल अपराध है, ये एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय यानी कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बिना वारंट के भी एक्यूज्ड व्यक्ति को जाकर गिरफ्तार कर सकता है। एफरे एक बेलेबल ऑफेंस है, इसमें जमानत मिल जाती है, ये किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका ट्रायल सुना जा सकता है। आइए कुछ केस लॉज हैं उनके माध्यम से एफरे को हम और अच्छे से समझते हैं। पहला केस है जोधे वर्सेज स्टेट का केस, ये 1952 का केस है। इसमें ए एक व्यक्ति है, वो बी की गली में गया और उसको दो चार थप्पड़ मार दिए। बी ने पलटकर बहस तो किया, बी ने खूब जोरदार बहस हुई, लेकिन बी ने पलटकर फाइटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब यहाँ पर एफरे का चार्जेस नहीं लगेगा क्योंकि बी ने फाइटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो फाइटिंग का इंग्रेडिएंट यहाँ पर मिसिंग हो गया। एक दूसरा केस है जगन्नाथ शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस, ये 1937 का केस है। इसमें दो भाइयों में बीच बाजार में खूब जोरदार बहस हुई, बहुत तेज बहस हुई कि उस पब्लिक प्लेस का पब्लिक पीस भी डिस्टर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पर भी दोनों में आपस में फाइटिंग नहीं हुआ। यहाँ पर भी वो फाइटिंग वाला इंग्रेडिएंट यहाँ भी मिसिंग था, तो यहाँ पर भी एफरे के चार्जेस नहीं लगेंगे। एक तीसरा केस देखते हैं, बाबूराम एंड अनदर वर्सेस एम्पायर का केस, ये 1930 का केस है। इसमें क्या होता है कि दो लोगों द्वारा एक व्यक्ति पर मार्केट में हमला कर दिया जाता है, अटैक होता है, तो पलटकर जवाब में वो अकेला व्यक्ति भी इन दोनों पर हमला करता है, वो भी फाइटिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। अब यहाँ पर एफरे के चार्जेस लगेंगे क्योंकि पब्लिक प्लेस भी है, पब्लिक पीस भी डिस्टर्ब हो गया, दो या दो से अधिक लोग भी थे, उन सबके बीच में फाइटिंग भी हो गई, तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर एफरे के चार्जेस लगेंगे। तो इस तरह से आज हमने देखा कि क्या है एफरे, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।